नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे OMR शीट के बारे में। OMR शीट क्या है, OMR शीट कैसे भरा जाता है और इसमें बच्चे यानी कि जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार भरेंगे, हम पूरा ट्यूटोरियल के रूप में एक एक करके बताएंगे। तो यह वीडियो विशेष रूप में उन शिक्षकों के लिए है और उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं और वैसे शिक्षक जो शिक्षक के रूप में काम करेंगे। तो ये वीडियो जो हम बना रहे हैं OMR शीट के बारे में, OMR शीट क्या है सबसे पहले बात करेंगे। OMR इसका मतलब है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहा जाता है। OMR शीट देख लीजिए, जैसे कि ये मेरा हाथ में एक OMR शीट है, ये OMR शीट है जो इसका मुख्यतः दो पार्ट है, एक शिक्षक का है, शिक्षक का और दूसरा स्टूडेंट के लिए है। तो ये जो शिक्षक का है, शिक्षक का भी दो पार्ट है, पहले इंट्रोडक्शन है यानी कि दिशा निर्देश दिया हुआ है और दूसरा उसके विद्यालय के बारे में, स्कूल के बारे में और स्टूडेंट के बारे में भरना है, फिर शिक्षक का हस्ताक्षर है और नीचे वाला पर्सन जो है ना विद्यार्थी के द्वारा, विद्यार्थी रेस्पोंडेंट है, मतलब विद्यार्थी इसको किस प्रकार से आंसर देंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके एकदम स्पष्ट रूप में आपको जूम मेथड में हम बताएंगे। आप ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आए और सभी अपने दोस्तों को, अपने शिक्षक मित्रों को शेयर कर दे, उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परीक्षा के समय सभी छात्र छात्राओं को इस प्रकार का एक OMR शीट और प्रश्न पत्र मिलेगा। देख लीजिए OMR शीट का एक लुक इस तरह का है। हम लोग इसको एक एक करके सभी पार्ट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देख लीजिए OMR शीट का जो देख लीजिए पहला ये है पार्ट है, इसमें लिखा है आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। इस तरह से अपना स्टेट का भी आप अपने नाम के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले जो पाठ हम लोग देख रहे हैं ये केवल शिक्षक प्रयोग हेतु है, ठीक है। शिक्षक प्रयोग हेतु यानी कि शिक्षकों के लिए है। आप स्टूडेंट भी इसको थोड़ा सा ध्यान से दें कि देखें, क्योंकि क्या क्या करना है, क्या क्या भरना है, इस पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देख लीजिए इसका पहला पार्ट जो है, हम लोग जूम करके देखते हैं। इसमें लिखा है OMR शीट पत्रक निर्देश। इसमें क्या दिशा निर्देश है, सिर्फ काले या नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करें, यानी कि इसमें जो भरना है, इसमें लिखना है, जो भी लिखना है आप ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग कर सकते हैं। जेल पेन देख लीजिए इसमें लिखा है जेल पेन, जेल पेन या स्याही वाले पेन का प्रयोग कदापि न करें, इसमें जेल पेन और स्याही वाले पेन का उपयोग नहीं करना है। इसमें देख लीजिए इसमें फिर क्या है, सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को अच्छी तरह से रंग भर दें, यानी कि आपका उत्तर देने का जो सही तरीका है ये क्या है, चार गोला है ए बी सी डी लिखा हुआ, इसमें जो सही है जिसमें इसमें बी को सही दर्शाया गया है और पूरा ब्लैक कर देना है, यानी कि पूरा काला कर देना है। उत्तर देने का जो गलत तरीका है इसमें ऐसे क्रॉस मार्क ना दे, ठीक है, या अधूरा ना भरे, या आपको नहीं छोड़ना है, कोई भी पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आप OMR शीट को भर दिशा निर्देश भरने का दिशा निर्देश दिया गया है। अपनी OMR पत्रक को न तोड़े मोड़े ना ही गंदा करें, यानी कि इसको साफ रखना है, तोड़ना मोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षक सारी सूचनाएं भली भांति जांच कर ले, फिर अपना नाम तथा पूरा हस्ताक्षर करें, ये शिक्षक के लिए दिशा निर्देश है, ठीक है। उसके बाद क्या है देख लीजिए, इसी भाग में और क्या दिया है देख लीजिए, दूसरा भाग में एक डोंट टेम्पर द बारकोड, इसमें एक बारकोड दिया हुआ, ये बारकोड है ये बार, ठीक है, इसमें आपको रगड़ना नहीं है। ये बारकोड को अगर स्कैन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये नंबर आपको आ जाएगा और कुछ नहीं है, ये नंबर आपको प्रूफ करना है, ऐसे मिटा के
या कुछ करके अगर करना है तो ये आपको नहीं दिखेगा, ये बारकोड में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं, देख लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट नेम, ठीक है। ये स्टूडेंट नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स में ही स्टूडेंट नंबर को, नाम को भरना है। देख लीजिए इसमें कितना है, ये यहाँ से लेकर आपका, यहाँ से लेकर 24 बॉक्स बना हुआ है ना। अब इसको एक एक बॉक्स में एक एक अक्षर भरना है। जैसे सोच लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें अगर आप लिखना है, लिखना चाहते हैं, जैसे अंजू, ठीक है, अंजू लिख रहा है, और एक बॉक्स छोड़ के लिखना है, अंजू कुमारी, ठीक है। इस तरह से आप इसमें भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको यूडाइस कोड भरना है। यूडाइस कोड में भी आपका जो इसमें लिखा है, देख लीजिए, यूडाइस कोड भरना है। अगर यूडाइस कोड भरते समय थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, चलिए हम इसको भी बता देंगे, देख लीजिए, ये यूडाइस कोड है। यूडाइस कोड में क्या है, यूडाइस कोड नंबर होता है, और इसमें आपका एक जो यहाँ, अगर सोच लीजिए आप 2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 वाला खाना को आपको ब्लैक कर देना है, एकदम भर देना है, ठीक है, ब्लैक या ब्लू कर देना है ऐसे। इसी तरह से आपका 20 है तो इसको भर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा भर दीजिए। फिर 2 है तो इसको भर देना है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि ये गोला से बाहर ना आ जाए। इस तरह से अपना स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक आप भर दीजिए, और उसके नीचे जो है, जो संख्या आएगा, हम आपको बता दें, ये जो संख्या जाएगा, यहाँ 8 लिख रहे हैं तो ये नीचे 8 में कलर करना है, ठीक है। यहाँ अगर 7 लिख रहे हैं तो यह 7 में कलर करना है। तो इस तरह से आप यूडाइस कोड ध्यान से भर दीजिएगा। ये देख लीजिए, उसके बाद रोल नंबर है। रोल नंबर जो है इसमें आपको करना है, रोल नंबर क्या होगा ये हम आपको बता दूँ, आपका विद्यालय का जो भी रोल नंबर है इसी को भरना है। सोच लीजिए आपका, आपका रोल नंबर 22 है, यानी कि 22 या जो भी हो, आपका 19 करते हैं, देख लीजिए ये 19, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ये 0 में भर देना है, फिर 1 में भरना है, फिर 9 में भर देना है। ये ठीक से हम यहाँ नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आपको एकदम पूरा भर के रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देख लीजिए, क्लास है। आप अगर 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ 6 लिखना है और इस घर को कर देना है कलर। अगर 7 लिखना है तो यहाँ 6 की जगह 7 लिखना है और ये 7 की जगह क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन है। सेक्शन में क्या है, अगर ए है तो इसको कल काला कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी भर दीजिए। है आपका, ये देख लीजिए, नीचे इन्वेजिलेटर्स नेम एंड सिग्नेचर, यहाँ आपका जो भी बीक्षक होंगे यानी कि इन्वेजिलेटर होंगे, उनका पूरा नाम होगा इस जगह में, पूरा नाम होगा और यहाँ आपका सिग्नेचर होगा। सोच लीजिए कि रामचंद्र है आपका, चंद्र इसे लिख दिए और साइन भी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका पहला पार्ट पूरा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देख लीजिए, ये दूसरा पार्ट, केवल छात्रों के लिए प्रयोग हेतु, ठीक है। ये जो पार्ट है केवल छात्र ही भरेंगे। जैसे आपको हम बता दूं, इसमें पूरा 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में बंटा हुआ है। पहला पार्ट क्या होगा, हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा गणित, चौथा पर्यावरण विज्ञान और
छठा क्या है सामाजिक विज्ञान में है। इसमें देख लीजिए क्वेश्चन के अनुसार आपको एक से लेकर 10 तक जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे अंग्रेजी में भी 11 से 20, गणित में 21 से 30 और विज्ञान यानी कि पर्यावरण विज्ञान में 31 से 40 तक और सामाजिक विज्ञान में 41 से 50 तक है। यानी कि आपके पास कुल 50 क्वेश्चन है जो OMR शीट में भरना है। आपको प्रश्न पत्र के साथ प्रश्न पत्र संख्या मिलान करना है, उसका ऑब्जेक्टिव देखना है, ये ए बी सी दिया सी डी दिया हुआ है, चारों में जो आपको सही लगे। जैसे अगर सोच लीजिए कि प्रश्न एक का उत्तर सी है तो क्या करना होगा, आपको ये सी के जगह आपको ब्लैक कर देना है और एकदम ठीक से भर के ब्लैक या ब्लू पेन में आपको भर देना है, ठीक है। उसी तरह से फिर अगर दो का आंसर देख रहे हैं, ऐसे टिक नहीं मारना है, याद कीजिएगा, इसमें कोई दूसरा मार्क नहीं देना है। सिर्फ सोच लीजिए आप तीन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तीन का आंसर सी है तो ये सी को कर देना है, ठीक है। और ऐसा ध्यान में रखें कि ये जो कलर करते समय आपको आपका बाहर ना आए, ठीक है, आपका जो कलरिंग जो बाहर ना हो इस पर भी ध्यान देना है। तो इस तरह से आप अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी प्रश्नों का उत्तर आपको उस कलर करके देना है, जैसे कि पहले ही हम दिशा निर्देश में बताए हैं कि पूरा भर के कलर कर देना है, ठीक है। में एक एक करके सभी 50 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद आपको इस तरह का देखिएगा, देख लीजिए इसमें जो ब्लैक क्या कर दिया गया है, ये एक मॉडल पेपर के तौर पर आंसर बना दिया गया है, इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें और अपने साथी दोस्तों को शिक्षक मित्रों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर ऑल लाइक कर दें और साथ में अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी से संबंधित एक वीडियो भी बना हुआ है, OMR शीट चेक कैसे होता है हम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस लिंक से आप देख सकते हैं कि यह जो आपके द्वारा तैयार किया गया OMR शीट वो किस प्रकार जांच होता है। तो इस वीडियो के अंत में अगर समय मिले तो वह वीडियो जरूर देख ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।